हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। आज मैं लाई हूँ बिल्कुल ही नई रेसिपी, जो पहले किसी ने ना बनाई होगी। घी के पकोड़े बनाते हैं लोग, लेकिन वो जो घी हैं बीच में से सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ मैंने घी की बारीक बारीक स्लाइसेस के पकोड़े बना के उनकी चाट बनाई है। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखना। पहले मैंने ये घिया लिया है, आप इसे की जगह लौकी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे किचन गार्डन में यही अवेलेबल था तो मैंने इसी से ही बनाए हैं। इनके जो ऊपर से छिलका है इसे पील करके साइड पर कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो इसी पीलर की हेल्प से हम बारीक बारीक स्लाइसेस निकालेंगे। ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसके अंदर, क्योंकि जो ऊपर वाली सतह है वही क्रिस्पी होती है, बीच वाला गुद्दा इसका इतना क्रिस्पी नहीं बनता है। इस तरह मैंने सारे स्लाइसेस जो बारीक बारीक थी वो किसी प्लेट में निकाल लेनी है। आप डायरेक्ट भी इसको तल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैदा वगैरह डाल के, बेसन वगैरह डाल के। तो यहाँ पर मैंने ये चिवड़ा लिया है, इसे बारीक पीसूंगी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर मैंने ये चिवड़ा पीस के बाउल में डाल लिया है। यहाँ पे अब मैं एक चम्मच मैदा डालूंगी, इसके बाद आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डालना है। मैं आपके लिए इस तरह की बहुत बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आती हूँ। होप करती हूँ कि आपको अच्छी लगे और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बेसन डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाला है यहाँ पे स्वाद अनुसार, चुटकी भर मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है। यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, बहुत बारीक बारीक काटी है। हल्दी डाली है चुटकी भर, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और बैटर के हिसाब से धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि बैटर जो है ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि जो हमारे स्लाइसेस हैं वो भी पतली हैं, तो हमने बैटर इतना बनाना है कि जो स्लाइसेस में वो अच्छे से लग जाए। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के बाद बैटर को, इसमें मैंने थोड़ी सी हींग मिलाई है, अगर आपको हींग नहीं अच्छी लगती है तो आप इसे स्किप कर देना, क्योंकि जो तले वाली चीज़ें हैं कई बारी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इसलिए हींग डालने से वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब मैंने जो स्लाइसेस काट के रखी थी वो इस बैटर में मैं डिप करके रखती जाऊंगी। 1-2 मिनट रखने के बाद फिर मैंने इस तरह मैंने हल्के हल्के हाथों से एक साइड पे इन्हें रखती जाऊंगी। और वहां गैस पर मैंने पैन पर कुकिंग ऑयल गर्म करने रख दिया है। गैस की फ्लेम को ज्यादा तेज नहीं करना है, इन्हें हल्की आंच में पकाना है ताकि ये इनकी जो सतह है, निचली सतह, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हम इन स्लाइसेस को पलटेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके मैंने सारी स्लाइसेस डाल दी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही स्वाद, ये देखिए, आपको देखते ही महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके इस तरह मैंने सारी स्लाइसेस तलकर निकाल ली हैं।
बच्चे जो हैं घिया खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस ढंग से बच्चे घिया भी खा सकेंगे और लुत्फ़ भी उठाएंगे खाने का। अब मैं पैन प्लेट में मैं एक इन सभी को रखूंगी। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें चाट बनाऊंगी। इनको छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा नहीं, दो दो ही पीस करूंगी इनके, ताकि उठाकर खाने में आसानी हो, इसलिए मैं इनके दो दो पीस कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आप टोमाटो सॉस छिड़के, अगर इमली का पल्प हो तो वो भी बहुत अच्छा स्वाद देगा। यहाँ पे मैंने हरी चटनी डाली है, उसके बाद मैंने इसमें मूली कद्दूकस करके डाली है, और फिर नींबू निचोड़ा है। तो लीजिए, हमारी घी के स्लाइसेस की चाट बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लाइक का बटन जरूर दबाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में जल्द ही आपके सामने आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।